हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि फैमिली ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक है। आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, तो आगे का ब्लॉग आपको वहीं का मिलेगा। अभी सब लोग हो गए रेडी, तो मेरे साथ पूरी बच्चों पार्टी जा रही है। युवान है, परी है, अंश है और आदि है, तो सभी लोग हम जा रहे हैं। ये हमारे चौधरी साहब, वो भी हो गए रेडी और घर का सारा काम कर दिया है, कपड़े वगैरह वॉश कर दिए हैं। तो बस क्योंकि कल इनका स्कूल है ना, फिर आगे लेट हो जाएगा आने में। और अपने ठाकुर जी भी मैंने कर दिया तैयार। ठाकुर जी को दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ठाकुर जी भी हो गए हैं नहा धोकर रेडी, सुंदर वाले कपड़े पहन लिए हैं और इनको मैंने दूध का भोग भी लगा दिया है। अभी मैं इनको बैठा लेती हूँ बास्केट में जिसमें हम लेकर चले गए हैं। हाँ जय श्री कृष्णा बोल दो। चलो 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 जल्दी हो, जल्दी जल्दी जल्दी, बैग हमारा रेडी हो चुका है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं खतौली, तो बाबा रे बाबा आपको दिखा दे खतौली का मेला। ठीक है बने रहना। बाबा रे बाबा ये बैठे बच्चे, बाबा रे बाबा, अरे ये रही बाबा रे बाबा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे खतौली गाइस, और यहाँ पे लगता है मेला, आपको दिखाएंगे रास्ते में। ठीक है, और बने रहना ब्लॉग में एंड तक का गाइस। तो गाइस अभी पहुंच गए हैं खतौली में। बाबा रे बाबा मेला तो हट भी चुका, लेट हो गए। ये देखो खतौली की नहर, बहुत बड़ी नहर है गाइस ये, अगर तुम्हारा मन करता है इसमें कूद भी सकते हैं। देखो कितनी बड़ी, किसी का मन करा छलांग लगा दो उसको, मेरा तो कर नहीं रहा बिल्कुल भी। ये गंगा जी में ये देखिए गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गांव। ये है हमारा गांव, अब मेरा घर आने वाला है। ये देखिए गांव की गलियाँ, तो ये है हमारी गांव की गलियाँ, हम पहुंच चुके हैं। ये बुग्गी खड़ी है यहाँ पे, और ये जो न्यू सा बना हुआ है ना, ये दिख रहा है इधर साइड में, ये है मेरा घर। तो अभी गाड़ी घुमाएंगे, ये देखिए ये है मेरा घर। और मम्मी आएगी अभी, गेट खोलेगी, देखो मम्मी आ चुकी है, गेट खोल दिए। हॉर्न बजते ही एकदम मम्मी आ गई थी, गेट खोल दिए थे, वैसे तो खोल रखे थे मम्मी ने पहले से ही, लेकिन जैसे हॉर्न बजा तो गेट खुल गए। अरे देखो ये लग रहे फोन में आते ही, और इनको देख रहे इनकी चल रहे हैं पॉपकॉर्न चिप्स लगे हुए हैं सब आए हैं पूरी फैमिली, चारों बच्चे मैं ये और ड्राइवर हम आए। और मम्मी बना रही है चाय हमारे लिए, बोल लो मैं। देख अरे बाय जा परी को कुछ कह दे, मम्मी को लाके बात
तो जी देखिए अभी घर चल दिए है वापस। और मई कैसे जब जाते हैं ना अपने मम्मी के पास से तो बड़ा ही अजीब सा लगता है, बहुत ही मतलब मन भारी भारी सा हो जाता है, जाने को मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, ये रीति ऐसी बनाई है कि बेटी अगर रह ही नहीं सकती है उनको जाना ही जाना है एक दिन। भले ही जितनी खुशी मतलब अपने ससुराल से मई के आने की होती है ना, इतनी खुशी ससुराल वापस जाने की नहीं होती, चाहे कितने भी दिन शादी को हो जाए। मई के का चाव कभी भी बेटी के मन से ख़त्म नहीं होता है, मतलब कम नहीं होता है। तो अभी हम थोड़ी देर ना यहाँ पे रुक गए थे रास्ते में, जैसे मायके से चलते हैं ना तो रास्ते में बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और होटल बने हुए हैं, तो बच्चों को यहाँ पे घुमाना था। ये देवराना है, यहाँ पे धाकड़ छोरे की मूवी की शूटिंग भी हुई है, तो बच्चे यहाँ पे बच्चों के लायक बहुत अच्छे अच्छे झूले भी है और घूमने लायक जगह है, खाना वाना भी। तो बच्चों ने यहाँ पे बर्गर खाया था थोड़ा और घूमने फिरे थे ये, तो बच्चों को थोड़ा घुमा रहे थे यहाँ पे, इसीलिए एक डेढ़ घंटा यहाँ पे लग गया था हमारा। फिर जैसे ना सामने को जाते हैं तो बच्चों को होता भी है कि हमें घुमा दो, बच्चे बोले ताऊ जी हमें घुमाओ, और तो इसी वजह से थोड़ी देर हम रुक गए थे कि ऐसे तो रोज़ तो आना नहीं होता, जब आ रहे हैं तो चलो बच्चों को थोड़ी देर घुमा लेते हैं और कुछ खिला पिला देंगे। तो यहाँ पे बच्चों को घुमा रहे थे और इनके लिए हमने फिर बर्गर बोला था, सारे बच्चों ने तो बर्गर ऑर्डर किया था, बैठकर थोड़ा सभी ने बर्गर वर्गर और कोल्ड ड्रिंक पिया था। और यहाँ पे नोनो लगा हुआ था घूमने के लिए, नोनो बोला देखो मेरे जैसी गाड़ी, तो यहाँ पे नोनो के पास भी ऐसी थार है ना, उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया था उसको, तो इस तरह की भी हैं। और ये स्कूटर पे ट्रैक्टर पे इनके सब पे चढ़ चढ़ के बोल रहे थे, अपनी सेल्फी खिंचवा रहे थे, बच्चे तो है ही भैया, उनको तो कहीं भी ले जाओ, उनको तो मस्ती करनी है, फन चाहिए। और यहाँ पे फिर मैंने भी बोल दिया कि चलो हम भी माँ बेटा स्कूटर पे बैठ के चलते हैं, हमारी भी थोड़ी सी क्लिप बनाओ। तो यहाँ हमने बर्गर कर दिए थे ऑर्डर, तो हम अंदर नहीं बैठे थे, गर्मी होती बाहर बैठे थे, यहाँ पर कूलर चल रहा था, वैसे तो अंदर भी बहुत ठंडक होती है, एसी चल रही थी, लेकिन मन सा नहीं कर रहा था, बाहर बैठने का मन हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे। ये देखिए यहाँ बाहर ना मौसम मतलब इस टाइम ना बहुत अच्छा होता, शाम के टाइम की बात है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वैसे भी कूलर चल रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था बाहर बैठ के, मतलब और भी सभी लोगों को देख रहे थे, और बाहर भी इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। और ये देखिए ये बुल पे बैठा हुआ था, इसका टास्क चल रहा था यहाँ पे, वो कर रहा था, वो गिरेगा जब गिर जाओगे जब टास्क खत्म। फेस भी दिखा दिया अगर इधर को, इधर को फेस दिखा। आदि इधर देख, देवगे देवगे आदि इधर देखते हैं। Thank you.
तो जी देखिए बच्चों ने और सबने किए फुल एंजॉय। बच्चों को तो बड़ा मज़ा आया, हमें भी आया जब आइसक्रीम वाली ये देखा रहा तो इसमें तो बड़ा मज़ा आया, हंसी बहुत छूट रही थी। और लास्ट में आके ना तो आदि के मुँह में उन्होंने टिशू पेपर डाल दिया आइसक्रीम की जगह में, तो बहुत अच्छा लग रहा था सच्ची में ही। सब बच्चे भी आइसक्रीम खा रहे बैठ के, बस चलते हैं अब। तो जी अब चलते हैं घर वापस। आज का व्लॉग बस यही था। व्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे राम राम।